मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सालूस कॉर्नर में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और आज हम उठे हैं लेट में सोकर, और हमारे यहाँ आज बहुत ठंडी है, तो उठने का जो मन है वो मेरा नहीं कर रहा था। तो जल्दी जल्दी उठते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गाँव में। तो आज देखते हैं मौसम कैसा है। ओ नो, इतना ज़्यादा कोहरा, पूछो ना, पूरी फर्श गीली हो गई है, कोहरा कोहरा भाई। तो जल्दी जल्दी से मैं रखती हूँ अपना बिस्तर, स्वीपिंग करती हूँ। हमने अपनी तुलसी मैया की जगह जो है कई बार बदली हुई है। अब हमारी तुलसी मैया जो है हम लोगों के पास ही रहती हैं, क्योंकि कोहरा बहुत पड़ता है, कोहरा की वजह से जो तुलसी की पत्ती है वो ख़राब हो जा रही थी। इसके लिए हम इसे अंदर रख के सोते हैं, फिर जब मॉर्निंग होती है तो उसे बाहर कर देते हैं। तो हो चुकी है स्वीपिंग और हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज, और हमसे ज़्यादा एक्सरसाइज तो होती नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग टाइम में। ठंडी है तो मैं अभी बजे हुए हैं 8, और मैं 8 बजे एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज था मेरी बिटिया का बर्थडे, तो मैंने उसको एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया उसकी पसंद का। आज हमारे यहाँ बन रही है करी, तो करी की जो एक होती है बुंदिया वाली करी बनती है, और दूसरी होती है जो पकौड़ी वाली बनती है। तो मेरे यहाँ मेरे पापा को जो बुंदिया वाली करी होती है वो पसंद है, बट मुझे जो पकौड़ी वाली करी होती है वो पसंद है। तो अभी मेरी पसंद की करी बन रही है, और मुझे बहुत 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 पसंद है ये, सबसे ज़्यादा ये पकौड़ी पसंद है। मिल जाए तो पूरा खा जाएँ। मम्मी यहाँ पे बना रही हैं चूल्हे में, मम्मी के हाथ का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं बेसन की करी, और हम लोग मम्मी को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बने और हम लोगों को जल्दी जल्दी दें। और हम लोगों की आदत है कि जब मम्मी थोड़ा सा बना लेती हैं ना, तो फिर एक जो बना रही हैं पकौड़ी, सबसे पहले तो मम्मी गौ माता को देती हैं, उसके बाद फिर हमें देती हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं। तो भाई अभी मिल चुका है मुझे खाना, और हम खा रहे हैं घूम घूम के, जैसे शादियों में सभी लोग घूम घूम कर खाते हैं, वैसे हम घर को शादी हाउस बना लिए हैं, गेस्ट हाउस बना लिए हैं, और उसी तरह घूम घूम के खा रहे हैं। और बहन जी जो है वीडियो शूट कर रही है, ये थोड़ा सा है, आप सभी लोग खा लीजिए। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे देर हो रही है कहीं जाने के लिए, इसीलिए हम खड़े होकर जल्दी जल्दी से खा रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं जहाँ मुझे जाना है। मुझे ना बेसन वाली कढ़ी से ज़्यादा दाल वाली कढ़ी जो है वो अच्छी लगती है, बट अभी मेरे यहाँ बेसन की बनी है तो मैं इसे ही खा रही हूँ, और ये भी मुझे अच्छी लगती है। और किसको किसको बेसन की कढ़ी अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम छत पे खड़े होकर खाना खा रहे हैं, हमारे यहाँ नीचे देखो मीटिंग चल रही है, यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा सा सोया, उसी को सभी लोग साफ़ कर रहे हैं और मीटिंग मस्त वाली कर रहे हैं, लेकिन हम छत पे हैं इसलिए ऊपर से ही शूट कर ले रहे हैं। आज है सकर, तो सभी की मम्मी अपने अपने लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए व्रत रहती हैं, लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं होता है। ये मुझे बहुत दुख की बात लगती है और मुझे अफसोस होता है, तो इसके लिए मेरी मम्मी व्रत नहीं रहती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ इस दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए मेरे घर में कोई नहीं रहता, बट मेरे यहाँ खाने पीने वाला बनता है। तो अभी सकर के दिन क्या होता है कि सिंघाड़े का जो है हलवा बनता है, तो हमारे यहाँ अभी मम्मी बना रही है सिंघाड़े का हलवा, और ये मुझे खाने में बहुत 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 अच्छा लगता है। इसके लिए पहले एक सीरा बनाते हैं, चीनी नहीं, गुड़ का सीरा बनाते हैं, उसको अच्छे से पकाते हैं, उसके बाद जो वो क्या रहता है सिंघाड़े का आटा रहता है उसको अच्छे से पीस लेते हैं, पीसने के बाद उसको भून लेते हैं घी में, उसके बाद उसको उसमें पानी डाल के घोल बना के उसको उसमें डालते हैं, और ये जो है लपसी बन के तैयार हो गई है। इसको हमारे गांव में लपसी बोलते हैं, हलवा भी बोलते हैं।
तो ये है तैयार हो गई, अब इसको हम कट करते हैं। मुझे तो लगता है ना कि किसी का बर्थडे हो तो इसको बना दो आराम से, बढ़िया सब लोग खाएं, खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, पूरा केक का काम करता है। और अभी हम खा रहे हैं, आप सभी लोगों को टेस्ट बता रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे बहुत 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 पसंद है ये खाना। आप लोगों को पसंद है या नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाह, ये महारानी देखो, इसको केवल चारा मिल जाए, चारे में आटा मिल जाए, उसके बाद तो देखो ये आराम से खाना स्टार्ट कर देती है। ऐसा खाती है, किसी को देखती भी नहीं है साइड में कोई है कि नहीं है, और इसको चारा मिल जाए बस, तो ये चारा खाने में बहुत 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 एक्सपर्ट है। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।